हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच एक रेसिपी लेकर। तो यहाँ पर आज मैंने जो लड्डू बनाए हैं ये आप व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी। आप जब भी आपका मीठे का मन करे तो आप 10 मिनट में ये लड्डू बना सकते हैं। सिर्फ एक कप दूध से इतने सारे लड्डू मैंने बनाए और कैसे बनाए हैं उसी की पूरी वीडियो आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। ना ही मैंने इनमें मावा डाला है और सिर्फ एक कप दूध से मैंने इनको बनाया है। तो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बने हैं और क्या क्या मैंने इनमें डाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कप दूध लिया है और ये फुल क्रीम दूध है, पका हुआ जो दूध होता है वही नॉर्मल दूध लिया है मैंने। अब मैंने 300 ग्राम लिया है नारियल का बुरादा। तो ये देखिए नारियल का बुरादा जो मार्केट में मिलता है तैयार, ये मैंने वो लिया है। तो यहाँ पर ये 300 ग्राम है। और अब सबसे पहले क्या करूँगी, मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दूँगी। देखिए घी की वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो नारियल का जो बुरादा होता है इसमें अपना ही काफ़ी खुद का ऑयल होता है, बट फिर भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं जिससे कि कढ़ाई में स्टार्टिंग में डालने पर चिपके नहीं। और हम नारियल के बुरादे को थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए भूनने से क्या होगा कि इसको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये लड्डू इतने टेस्टी लगते हैं खाने में कि आपके स्टोर करने के लिए बचेंगे ही नहीं, साथ के साथ ही खाए जाएंगे। बट अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इस तरीके से पहले इसको हम भून लेंगे। भूनने से इनमें गोले की जो चीज़ होती है, जो भी कोई हम गोले की चीज़ बनाते हैं वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन जब हम इस तरीके से भून कर बनाते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है, वो ज़्यादा दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर इसको इस तरीके से चलाते रहना है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसका, बिल्कुल हल्का सा धीमी धीमी आँच पर भून लीजिए। तो देखिए ये भुन गया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे दूध, जो कि हमने एक कप दूध लिया था उसको डाल देंगे। ये देखिए दूध मैंने डाल दिया है। अब दूध को भी डालने के बाद कुछ टाइम तक चलाएंगे और उसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मावा भी यूज कर सकते हैं या फिर ताजे दूध की जो मलाई होती है फ्रेश दूध की, आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ डाल लीजिए, टेस्ट अच्छा ही आएगा। तब देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और बढ़िया सा फूल भी गया है। तो इसमें अब मैंने डाल दिया है मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालने के बाद बहुत ही अच्छे से चला देना है, बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर दीजिए मिल्क पाउडर को। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मीठा। तो मीठे में आप चीनी भी डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। ये तो यहाँ पर मैं डालूँगी बूरा, क्योंकि मुझे बूरा के लड्डू ही पसंद है। तो आप अगर चीनी चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। बट अगर बूरा डालेंगे तो शायद टेस्ट आपको भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें जब बढ़िया से मिल्क पाउडर मिक्स हो जाएगा उसके बाद बूरा ऐड करूँगी। तो मिल्क पाउडर मिक्स हो गया है। अब इसमें जितना कि मैंने बुरादा लिया था उससे हाफ डालूंगी बूरा, यानी कि 300 ग्राम बुरादे में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 150 ग्राम बूरा। अब बूरा को भी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए, इसमें जो भी डली वगैरह है उनको फोड़ देंगे अच्छे से और बहुत बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद गैस को कर देंगे बंद और इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए गरम गरम में हाथ चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अब गैस को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और कम से कम 10 से 12 मिनट के बाद ये ठंडा जब हो जाएगा उसके बाद हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है ये। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये कितना ऑयली सा लग रहा है, क्योंकि जो नारियल का जो अपना ऑयल होता है ये उसने सारा छोड़ दिया है। तो इसको बहुत ज़्यादा हाथ से दबाकर नहीं बांधना है लड्डू को, हल्का हल्का हाथ से प्रेस कीजिए, उसी से आपका लड्डू तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप जितना टाइट हाथ से इसको बांधेंगे इसको उतनी ज़्यादा चिकनाई निकलेगी और लड्डू आपका चिपचिपा हो जाएगा। तो ये देखिए बन गया ना एकदम बढ़िया, और मेरे हाथ देखिए कितने ज़्यादा ऑयली हो गए हैं। तो इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा सूखा बुरादा लिया था ऊपर से इस तरीके से लगाने के लिए, इससे क्या होगा देखने में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम हलवाई स्टाइल के, जैसे कि मार्केट में आते हैं उसी तरीके के। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से सारे लड्डू तैयार कर लूँगी। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि एक कप दूध और 300 ग्राम बुरादे में हमारे कितने सारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। इस मिश्रण से इतने लड्डू तैयार हो जाएंगे कि आपकी पूरी फैमिली आराम से खा सकती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए मैं अपने सारे लड्डू इसी तरीके से तैयार करूंगी, और इस तरीके से बुरादा लगाने के बाद उनको अलग रखते जाऊंगी। तो ये देखिए लड्डू सारे तैयार हो गए हैं। ये लीजिए खाइए आप भी, टेस्ट कीजिए। तो भाई अब इन लड्डुओं को मैं रख लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पर जो लड्डू जिसके अंदर मार्केट में आते हैं जो कागज़ जो होते हैं लड्डू वाले, मैंने यहाँ पर वो ले लिए। ये देखिए इनमें क्या होगा कि जो इनका बुरादा है वो झड़ेगा नहीं और बिल्कुल आसान खाने में आसानी रहेगी। जैसे कि आप एक पर्सन को लड्डू देंगे तो आराम से वो खा सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें इस तरीके से लगा देंगे हम इस तरीके से, देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे और बिल्कुल लगेंगे कि मार्केट से आए हैं। तो जब आप इन लड्डुओं को बनाएंगे तो आपके मेहमान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने मार्केट से मंगाए हैं या फिर घर पर बनाए हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आप सभी भी ट्राई कीजिए, और आप सभी को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।